मैं ना कुछ सोच रही थी एक्चुअली। तो जैसे मम्मा, जैसे 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कोई झगड़ा होता है जैसे समथिंग, तो उनका, चाहे लड़कियां लड़कियां हो, लड़के लड़की या फिर लड़के आपस में भी कोई झगड़ा होता है, तो उनका क्या होता है कि सबसे पहले वो लोग एक दूसरे की चीजें वापस करने लग जाती हैं। बड़ों में भी होता है ऐसा, मतलब। बड़ों में हो वैसे आज तक मैंने तो नहीं किया आज तक। ओ यार इसको लॉक कर दो। मैंने तो नहीं आज तक किया, लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा। नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि यार ये छोटे बच्चे तो जरूर मैंने देखा है ऐसे करते हाँ, जब हुए। झगड़ा होता है ना तो कहते हैं ना, ये मेरी चीज है, ला दे वापस मुझे, हाँ, और ठीक ये है ना। अपनी उठा ले, हाँ, मेरी मुझे वापस फिर वो दे सामने से भी दूसरा बंदा बोलता दे। है, ले ये पकड़ तू अपना भी ले। अच्छा, बट मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन मैंने हाँ देखा हुआ भी है नहीं मेरे वैसे। हुआ है मेरे साथ ऐसा। आप इस बट मैंने दुर्ग खुशी खुशी से दे दिया है, जो भी लिया ना, जैसे लिया तो नहीं, कैसे खुद से ही किसी ने अगर कुछ दे के, गिफ्ट सी हाँ बोल रही हूँ गिफ्ट बोल के मैं, ऑफ अगर कोई कोर्स। दे ना, अगर आपको कि ये गिफ्ट है, गिफ्ट बोल के दे दिया, और फिर जब थोड़ी बहुत कोई झगड़ा हुआ या कोई नोक झोंक हुई ना, तो फिर वो वापस मांग ली, भाई मैंने तो चुपचाप से दे दिया। कई बार तो आगे से बंदा जो होता है ना दूसरा, वो सामने वाला भी पलट के फिर बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, बट मैंने तो भाई दे दिया, वापस कर दिया कि लो आप खुश रहो, तो मेरे पास बहुत है भगवान का दिया हुआ। सच्ची में मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत है, मैं खुश हूँ। चलो तो ऐसे नहीं है कि ठीक हाँ, बस ठीक ही यार, कुछ नहीं बोलना। है। चलो, वैसे मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती होती, लेकिन मैं, कभी कभी बंदा ना मजबूर हो जाता है। मुझे वैसे वरना पसंद नहीं है, वैसे तो 4 चंद लगे हुए हैं मेरे नाम पे। ये मैंने एक और लगा दिया, ठीक है जी। लगा दिया एक और मैंने। एक तो होता है ना कि अगर आप किसी से उधार, जैसे मैं इसको बोलूं कि मुझे इतना ये चीज चाहिए उधार आप दो, ठीक है ना, वो उधार है तो वो तो वापस करनी ही करनी है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको शगुन बोलकर या अपनी खुशी से कुछ दे, और फिर उसके बाद वो कभी नोक झोंक होने पर या झगड़ा होने पर वो वापस ले ना, तो मुझे तो वैसे हंसी आती है, हंसी ही आती है मुझे, सच्ची में मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। बट मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो चलो छोड़ो, मैंने मिट्टी छोड़ा पाओ। और मैंने हंसी हंसी से वापस कर दिया। लेकिन सच्ची में आप लोग बताना कि अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो हाँ आपने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया है, और क्या करना चाहिए, वैसे क्या हाँ करना क्या करना चाहिए अगर चाहिए। ऐसा हो। जैसे मैं आपको शगुन के तौर पे कुछ दूं, तो फिर मेरी आपसे कभी कोई बात हो जाए तो मैं बोलूंगी भाई वापस कर मेरे, तो फिर आप क्या करोगे उसके, वो मुझे बताना जरूर एक बार, तो मुझे भी पता चले कि मैंने सही किया वापस करके या गलत किया। जी, और आज इतने देर के बाद मैंने कैमरा उठाया है। सबसे पहले तो वेलकम टू रीत व्लॉग्स। वेलकम करने से पहले हमने आज ये आपको थोड़ा सा लेक्चर दे दिया। लेक्चर नहीं है, सभी की लाइफ में ऐसे होता होता है। रहता है। बहुत तरह की जो पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं, बहुत तरह की पर्सनैलिटी वाले जिनको आप समझ नहीं सकते हो। मतलब आप तो अभी स्टेज में आके आपने अपनी लाइफ के हाँ, ये वाला लेसन लर्न किया है ना, मैं इतनी बड़ी होके मैंने मुझे अभी मैं कर हाँ लिया। हाँ मैं इसने अभी कर लिया, सही बात है। सीख लिया तो कुछ भी, के कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ मैंने भी हो ये सकता सीखा है, है। मतलब मैंने अब तक अपनी लाइफ में ना सच्ची में ये सीखा कि जैसा हम सोच के चलते हैं ना, वैसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं लेकिन है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अब का जो ये वाला जो टाइम चल रहा है ना, जैसे ये जो कहते हैं कि अब जमाना जो चल रहा है, इसमें फेकनेस बहुत ही ज्यादा हो गई है, बहुत ही बहुत ज्यादा ज्यादा। पहले रिश्तों में इतनी फेकनेस नहीं फेकनेस नहीं होती होती है, थी। सेम है। और किसी बंदे को हम पसंद नहीं करते, लेकिन उसके फेस के, हम अपने फेस के ऊपर उसे इतना खुश होकर और उसको इतना बढ़ा मेरे से चढ़ा कर होता नहीं बोलते है हैं, ये, इसीलिए जो तो है हाँ हमसे होता नहीं है, मेरे से सच्ची तो में नहीं होता बिल्कुल भी नहीं है। तो होता। मैं तो जो मुंह में, जो मेरे हाँ दिल में है वही मेरे मुंह पे है। लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि
सच्ची में ऐसे बंदे होते हैं, क्योंकि मुझे इस उम्र में आकर अब पता चला है कि इतनी फेकनेस लोगों के अंदर है, लेकिन वो फेस के ऊपर हाँ, दिल में कुछ और होता है, फेस के फेस ऊपर पे कुछ दिखता ही नहीं, फेस के ऊपर आपको लगेगा इतना वो आपको पसंद करते हैं, इतना वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। हाँ, तो अब मुझे पता चला है कि हर तस्वीर पर के दो कोई पहलू नहीं, होते हैं। वक्त आता है, सबका वक्त आता है, ठीक है, हम ये नहीं बोलते। नहीं ऐसे भी नहीं है, मुझे नहीं इस चीज इन चीजों से वक्त आता मेरे है, यही लिए होता है। बिल्कुल भी जो बदले की भावना है वो तो बिल्कुल भी बदले नहीं। की भावना नहीं बोल हाँ रही, वैसे बात कर रही हूँ कि मतलब कर्मा तो सबको मिलता ही मिलता है भाई, ना, ये नहीं बात तो कर्मा है, तो वो मिलता हमने नहीं है। करना, हाँ वो यूनिवर्स करता वो है, भगवान यूनिवर्स करता करता है। है, वो सब देख रहे हैं, जो हाँ, जो चीजें जो देख रहे हैं सो उनको। जो भी बंदा अगर किसी के लिए या अपने लिए भी कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना किसी के लिए भी, तो वो कभी ना कभी लाइफ में आपके सामने आ जाता है, वो आपको फिर उस टाइम पे रियलाइज होता है कि जैसे ना, यार। तो जैसे हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं ना, तो देखो आप पहले खड्डा खोदते, अगर आपने खड्डा खोदा कभी आप देखो, तो पहले खुद उस खड्डे में उतरना पड़ता है, तब जाके वो खड्डा, ऐसे ऊपर आप खड़े होकर तो नहीं खड्डा खोद सकते ना। तो खड्डा जब किसी के लिए खोदोगे तो पहले खुद भी उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, तब आप खोद सकोगे। तो मैं तो इन चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं और पड़ता। मैं तो भगवान का थैंक यू करती हूँ कि मुझे जो है इस एज में आके इतना सब कुछ जो है पता चल गया। वैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े ज्यादा समझदार हो गए, हमें नहीं आता था। हमारे साथ कोई भी अगर बंदा कुछ गलत करता था ना, तो मैं सबसे पहले तो रोने ही लग जाती थी, मैं खुद को इतना ज्यादा जलाती थी, इतना ज्यादा खुद को ही मैं मतलब वो करती थी कि मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई है या मेरे में ही कोई दोष है। लेकिन अब नहीं, अब थोड़ा एज के अकॉर्डिंग समझ आ गया है कि हाँ यार दुनिया ऐसी है। मेरे को तो रोना वर्ड सुन के ही रोना आ जाते रोना बोल दिया रोने लग रोने जाओ लगे नहीं, रोने वाली तो कोई बात है ही नहीं, ये तो हमें एक सीख मिलती है। हर जो कुछ भी जो है ना आपके साथ, जब भी कोई बुरा होता है, तो आप हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा भगवान ने कर दिया, हमारे साथ ये भगवान ने बुरा कर दिया। वो बुरा नहीं किया, वो आपको लेसन देने के लिए, आपको एक सीख देने के लिए भगवान ने किया। दूसरों बुरा वक्त भी जब आता है ना, तो ये ही सीख देने के लिए आता है, सामने वाले की पहचान कराने के लिए आपको आता है। तो हर चीज का जो है, मैं तो उसको पॉजिटिव हर चीज साइड देखना चाहिए हर पॉजिटिव चीज साइड ही का। देखती हूँ मैं, मुझे नहीं है इसमें कुछ भी है कि हाँ मैं नेगेटिव साइड, बी पॉजिटिव हमेशा, चलो खुश रहो। खैर। ठीक है। और मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, इन सब का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से ये तो हाल ही में हुआ है, आजकल की बात है। ऐसे ही ना थोड़ा ब्रेक कभी कभी चाहिए होता है जिंदगी में, मैं लेजी हो जाती हूँ दरअसल, और कोई बात नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बात बताऊँ, मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियोस जरूर बना रही थी, पर व्लॉग्स के लिए ना मैं थोड़ा आलसी हो गई थी, सच्ची बात तो ये है ऐसा भी है ना कि जब तो बंदा डेली बाहर जाए तब तो ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, हाँ अब डेली तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, जाना भी कहाँ है सही डेली। बात है। अब इंडिया के जो ब्लॉग बनते हैं ना, उसमें लोग बोलते हैं हमें ये नहीं, हमें तो कुछ और बाहर का ही देखना है, तो हाँ अब ये पॉसिबल तो बाहर, नहीं और मुझे लोग बोलते रहते हैं आप कब जाओगे कब जाओगे, मैं कैसे चली जाऊं यार, मुझे पहले एक बात बताओ कैसे चले जाऊं बताओ, कुछ उस पे ओपन होगा तो ही है, या मेरे मैं इतनी अभी भगवान मतलब इतनी तो वो नहीं हूं ना करोड़पति लखपति कि मैं स्पेशल अपने लिए प्राइवेट जेट अरेंज करवा लूंगी, जो भी बोलते हैं चॉपर और समथिंग। सो जब सबके लिए ओपन हो जाएगा तो आपको मैं अपनी चीजें शेयर कर दूंगी, पर कुछ चीजें ना होता है कि अभी नहीं बता सकती और थोड़ी चीजें प्राइवेट में भी रखनी होती हैं, तो आप लोग समझा करो, जब मैं ही श्योर नहीं हूं अभी तो मैं आपको कैसे बता दूं कोई चीज, ठीक है ना। वैसे भी थोड़ा सा ब्रेक लिया है आराम करने के लिए कुछ दिन, उसके बाद जो है त्योहार शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी जो है दिवाली दशहरा की जो है सफाइयां शुरू हो जाएंगी, उसके लिए हम एनर्जी जो है इकट्ठा कर रहे हैं थोड़ी सी। तो चलो ठीक है, अभी जो है हमने ना एक्चुअली थोड़े अभी ये वीडियो एक्चुअली हमारी बातों की बहुत लंबी होगी, और मैं इसको ऐसे ही जाने दूंगी एज इट इज रॉ, कुछ भी नहीं कट करूंगी इसमें से। हमने थोड़े दिन पहले ना हमारे घर में पानी वाली टंकी एक्सचेंज करवाई थी, एक्चुअली
प्लास्टिक की टंकियां होती हैं ना, तो वो खराब होने लग जाती हैं विद टाइम, उनको चेंज करवाना पड़ता है। तो आप तब तक जो है मेरा वो वाला व्लॉग देखो, सो पीछे चलते हैं समय में थोड़ा सा, काफी दिन पीछे चलते हैं, तो आप वो एंजॉय करो। और मैं काफी दिन तो नहीं, 5-6 के दिन ही, 5-6 दिन, जब जितने दिन से व्लॉग नहीं डाली। दिवाली जब आती है ना, दिवाली से पहले की जो प्रेपरेशन होती है ना, वो अब घर में चल रही है। फिल्टर चेंज हुआ, टंकी चेंज हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बिजी भी चल रही है। चलो आप लोग एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ आपको।